सिंह राशि वाले, इस वर्ष 2024 का अगर मैं कहूं सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2024 के सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट सिंह राशि के जीवन पर कैसे पड़ने जा रहा है, कैसे आपके जीवन के तीन क्षेत्रों पर देव गुरु बृहस्पति अमृत बरसा रहे हैं और उस अमृत का आपके जीवन पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप आज की वीडियो के अंदर देख रहे हैं बृहस्पति के परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि के जीवन पर। देखिए मित्रों, सिंह राशि के लिए अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो ये आपके लिए हर एक प्रकार से पॉजिटिव ही माने जाएंगे, क्योंकि आपके पुण्य भाव के मालिक हैं, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको वर्तमान ये समय ये जीवन मिला है और यहीं पर आपके पुण्य कर्मों का जो प्रभाव है वो बृहस्पति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बृहस्पति आपके पुण्य को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हर गोचर में आपको प्राप्त होती है, परंतु इस बार क्या विशेष है, कैसे आपको लाभ लाभ प्रदान कर रहे हैं ये तो आपको बताएंगे। देखिए बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान के मेन कारक माने जाते हैं और साथ ही आध्यात्मिकता यानी पूजा पाठ मंत्र जप आदि के मेन कारक माने जाते हैं। जहां पर आपके लाइफ की हम ग्रोथ की बात करें, आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें सफलता की हम बात करें या फिर भाग्य के साथ की बात कहें, फिर चाहे आपके जीवन के किसी भी पहलू पर इसकी आवश्यकता हो तो यही देखा जाता है देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। तो बृहस्पति की स्थिति अगर अनुकूल होगी तो भाग्य भी आपका साथ दे देगा, आपके कार्य आप जो मेहनत करोगे वो भी आपकी सफल हो जाएगी। तो इन्हीं सभी चीजों को आपको समझना है, संतान संतति धन और इसी के साथ साथ अगर प्रोग्रेस और विस्तार की बात करें छोटी सी चीज को बड़ा करने के लिए, आज छोटी गाड़ी है कल बड़ी गाड़ी, आज छोटे स्थान पर रहने कल कोई निवास स्थान भी अच्छा हो, तो इन सभी चीजों के लिए बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है। अच्छा, बृहस्पति आकाश तात्विक ग्रह है और ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बड़ा गोचर इसलिए है क्योंकि 1 मई से लेकर के ये 2025 तक लगभग मई जून के समथिंग आसपास बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव आपके कर्म स्थान पर होने जा रहा है, व्यावसायिक स्थान पर होने जा रहा है। आप जिस भी नौकरी से या पेशेवर जीवन से आप जो भी कुछ कार्य करते हैं उस पर बृहस्पति का प्रभाव होने जा रहा है। तो ये चीज समझ लीजिएगा, बृहस्पति जब आपके कर्म स्थान पर आ रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ आपका वर्क में आपको पद मिल रहा है और अगर पद भी मिल रहा है तो उसके साथ साथ आपके काम करने का जो जिम्मेदारी का जो पद है वो बढ़ रहा है। हो सकता है आपको पहले कंपनी के द्वारा या वर्क प्लेस से कुछ काम दिया जाता था उसे फालतू मिलना शुरू हो जाए, हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इससे आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बेहद अनुकूल है और बेहद आपके लिए लाभ वृद्धि कारक है। तो देखिए बृहस्पति का प्रभाव होने से यहाँ कर्म स्थान पर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आपके जॉब में प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, औदा आपका बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपके ऊपर वर्क लोड भी बढ़ सकता है। देखिए बृहस्पति की जो यहाँ स्थिति समझेंगे, आपकी कुंडली में आपकी राशि में पंचमेश के मालिक होते हैं, यानी कि जितना भी कुछ ग्रोथ होगा ये सब कुछ आपकी स्किल्स के आधार पर होगा, आपकी विद्या के आधार पर होगा, आपने कितना एक्सपीरियंस अपने काम से लिया है उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपके भविष्य में आपकी प्रमोशन और प्रोग्रेस के योग देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर बना रहा है। चलिए ये तो एक बात हुई। देखिए वृष राशि में बृहस्पति का गोचर कुछ सामान्य इसका फल होता है। वृषभ राशि इच्छाओं को प्रदर्शित करती है, इसके मालिक होते हैं शुक्र महाराज। वैसे तो बृहस्पति और शुक्र का जो तालमेल है ये कोसों दूर है, एक ग्रह है ये आकाश तात्विक, जो वृष राशि है पृथ्वी तात्विक। अब आकाश और पृथ्वी के मध्यम जो डिस्टेंस है वो देखिए कितना है, परंतु यही पर चीजें आती हैं। बृहस्पति जैसे ज्ञान अध्यात्म पूजा पाठ मंत्र जप तप आदि के कारक हैं, वही शुक्र वृषभ राशि इच्छाओं का, आपकी सुख सुविधाओं का, आपके रहन सहन ऐश्वर्यता का और रचनात्मक कुछ नए कार्य करने की क्षमता, कुछ नया करके दिखाना, ये सब चीजें होती हैं। जब ज्ञान का कारक ऐसी राशि पर आएगा तो आप अपने ज्ञान के बल पर समझदारी से अपनी सभी भौतिक उपलब्धियों को भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रयास करोगे। आपके दिमाग में सारी चीज आएंगी कि अच्छी गाड़ी बंगला दौलत शोहरत एक अच्छी वाइफ एक अच्छी पत्नी और अगर सब कुछ है तो उसे और बेटर कैसे किया जाए, ये भावनाएं आपके मन में जो है रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छा इनका प्रभाव यहाँ पर माना जाएगा। अब बात करते हैं उसे पॉइंट की जिसके लिए आज की वीडियो मुख्य रूप से बनी है, बृहस्पति की दृष्टि। देखिए सिंह राशि वालों, आप मेहनत प्रवीण हो, आप मेहनत में विश्वास रखते हो और कभी भी
दूसरे के ऊपर, कहते हैं ना दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलानी चाहिए। तो आप अपने ही ऊपर, अपने गट्टों की मेहनत पर विश्वास करते हो और उसी से आप काम भी करते हो। ये बात वास्तविक है। कभी कभी सिंह राशि वालों को, क्योंकि इनकी मेहनत ऑटोमेटिकली ही ज्यादा होती है, तो इसलिए आपकी मेहनत का संपूर्ण फल देने में जो पार्टी है या जहां पर आप काम करते हो वो अक्षम, वो असक्षम हो जाती है। उसी का खेद भी आपके जीवन में होता है कि जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आप करते हो उसका आपको उतना फल नहीं मिल पा रहा। वास्तविक बात यही है कि आपकी मेहनत की कदर को लोग पूर्णतः जानते ही नहीं है। सिंह राशि वाले जब किसी काम को करते हैं तो अपना उसमें तन मन और हर एक प्रकार से उसमें उसे पूरा करने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो सिंह राशि वाले आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर कृपा आपकी बरसा रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टियों की हम बात करते हैं। बृहस्पति आपके लिए योग कारक ग्रहों में से हैं। इनका कर्म स्थान पर आना आपके वर्क में आपकी प्रोग्रेस दिखा रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊं, बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर जाती है। अब देखिए द्वितीय भाव, इसको धन भाव माना जाता है। धन में वृद्धि का सूचक ये बृहस्पति का गोचर दिखाई दे रहा है। अब आप में से ऐसे कई लोग हैं जो मन में ये प्रश्न रखते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, मेरी सेविंग्स नहीं हो पा रही, मेरा धन नहीं बढ़ पा रहा। अगर आपकी भी ये समस्या, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और ज्यादा विशेष वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको सिंह राशि वालों धन से संबंधित मामलों में कभी भी समस्याएं आए तो ये समझिएगा आपके लिए द्वितीय भाव के मालिक कौन है, बुध महाराज। तो हमेशा आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया करें, गणेश जी को हरा दूर्वा अर्पित किया करें और जो किन्नर होते हैं उनकी समय समय पर सहायता कर दिया करें, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पति की दृष्टि अभी आपके धन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, यानी नए नए आइडियाज, नए नए रचनात्मक, बृहस्पति का ज्ञान के कारक है। आप अपने धन को बढ़ाने के लिए, धन को मैनेज करने के लिए, सबसे बड़ी बात है बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर नहीं थी, जिस कारण से पैसा आ तो रहा था परंतु पैसे का मैनेजमेंट कर पाने में आपको बड़ी अक्षमता हो रही थी। तो यहाँ धन का मैनेज करना ही सर्वोत्तम धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि अगर आप पैसे को चलाना जान गए ना तो आपको धन कमाने में कभी भी भविष्य के अंदर तो समस्या नहीं होगी। तो बृहस्पति की दृष्टि मैनेजमेंट पावर अच्छी करेगी, जिस कारण से आप धन कमाने के नए नए आइडियाज को खोजोगे, उनके ऊपर काम करोगे और उस धन को, जो धन आएगा उसको कहाँ, कब, कैसे आपको यूटिलाइज करना है, उसको कैसे आपको व्यापार, व्यवसाय या करियर में लगाना है या लर्निंग में लगाना है, अगर आप जॉब पे हैं तो आपको कैसे अच्छे अच्छे कोर्स करके अच्छी जॉब की प्राप्ति करनी है, इन सभी चीजों में बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। देखिए वाणी भाव पर बृहस्पति का प्रभाव रहने से आप जिस भी व्यक्ति के लिए कुछ भी बात करोगे, उसके परोपकार, उसकी हित की बात करोगे, उसका कल्याण हो ऐसी बात करोगे। सिंह राशि वाले, वैसे भी आपकी राशि के स्वामी सूर्य नारायण महाराज हैं, तो आप होते भी उदार स्वभाव के हो, हमेशा कभी दूसरों का गलत अगर कभी नहीं चाहते, अभी तो उनका हमेशा अच्छा ही करने का प्रयास करते हो। इसी कड़ी में आप कभी कभी कुछ लोग आपके किए हुए कार्यों की, जो आपके ऊपर जो उनको रिवर्ट देना होता है या आपने उनके लिए जो किया उसके बदले में उनको आपके लिए भी कुछ ना कुछ करता हुआ होना चाहिए, वे लोग आपका जो है विश्वास का हनन कर देते हैं। इस कारण से विश्वास आपका लोगों से और चीजों से हट जाता है, उठ जाता है। आपके साथ में भी ऐसा होता है तो कमेंट करिएगा। तो ये विश्वासघात होना या विश्वास की कमी हो जाना, बृहस्पति इस कमी को भी पूरा कर रहे हैं और आपके जीवन में नए नए एस्पेक्ट, नए नए कार्य और कुछ नए लोगों का आवागमन भी बढ़ रहा है। देखिए हो सकता है कुछ लोग अभी बृहस्पति के गोचर से आपके सामने आए, आपके लिए अच्छा बर्ताव करेंगे, परंतु वहीं कुछ लोग ढोंगी जो आपके सामने जैसा दिखेंगे वैसा होंगे नहीं। इसकी परख आपको अपनी अंतरात्मा से और उसके जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी वो आपके लिए सोच रहा है, उसके आधार पर आपको करनी है। बड़ी भावुकता से आपको स्पष्टवादिता एकदम नहीं बनना है। तो देखिए पैतृक संपत्ति का लाभ बृहस्पति यहाँ पर प्रदान करवा रहे हैं। पिता के द्वारा किसी वस्तु, किसी विशेष आपकी मनोकामना की प्राप्ति हो जाए ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन सिंह राशि की कई जातकों की लो रहती है, कई जातक मेहनत, क्योंकि ये शुरुआत से ही बहुत करते हैं और उनकी सबसे बड़ी काम जो कमी रहती है वो यही रहती है कि वो सही समय सही जगह पर मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपका जो धन, आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो फाइनेंस के मुख्य देवता देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, हमेशा पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें और विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्णिमा को जरूर करा करें।
सिंह राशि वाले आपका फाइनेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा और वैसे ये गोचर आपके फाइनेंस को स्ट्रांग कर भी रहा है। तो कला, लेखन, संगीत या फिर फिल्म, मल्टीमीडिया या इंटरनेट से जुड़े हुए अगर कार्यों में आप हैं तो विशेष तरक्की हो सकती है। देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि जाती है ये जाती है आपके लिए चतुर्थ भाव पर, अब ये बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति के अमृतमय दृष्टि जब चौथे घर पर होती है तो सिंह राशि वालों सबसे पहले अगर आपके माता का स्वास्थ्य कुछ खराब है या अगर आपको पेट की समस्याएं जो है वो रहती हैं तो ये दोनों ही चीजों में आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। बृहस्पति आप सिंह राशि के कहीं जाता अपने मकान, अपना खुद की भवन, भूमि और प्रॉपर्टी बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो उनके लिए किसी विशेष ऑफर का आना, उनके लिए कहीं से धन का आना और आपके मकान, दुकान या प्रॉपर्टी खरीदने में जो रुकावट मेन आ रही है जिसमें आप कह रहे हैं पूर्ति कि मुझे इस चीज की पूर्ति हो जाए तो मैं ये कार्य कर लूं, तो वो पूर्ति आपका बृहस्पति का गोचर आपके करते हुए नजर आ रहा है। तो प्रसन्न रहिएगा सबसे पहले उस इष्ट कृपा से, मैं भी ये कामना करता हूं, आप भी ये कामना करिएगा कि ये फलादेश सत्य हो जाए, आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो जाए। गोचर तो अपना कार्य करते ही है, फिर भी यदि किसी ग्रह के बदलाव के कारण आपके जीवन में कुछ विशेष अच्छे परिवर्तन नहीं आ रहे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं, कुछ ना किसी ग्रह दोष के कारण से ये बाधाएं आती रहती हैं, उसके लिए आप उपाय करें, रेमेडीज करें और उस ग्रह दोष की शांति करवाएं। देखिए शुरुआती पढ़ाई ये चतुर्थ स्थान से देखी जाती है, अगर आपको पढ़ाई करने में या कंफ्यूजन क्रिएट आ रहा है कि कहां मैं जाऊं, कौन सी पढ़ाई मुझे करनी है, तो सबसे पहले तो आप परामर्श कर लें, अपनी कुंडली दिखवा लें, अगर नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शुरुआती पढ़ाई काफी अच्छी बृहस्पति करने वाले हैं, बस आप अपना मन बना करके पढ़ाई में आगे बढ़ जाइए। भौतिक सुख सुविधाओं की अगर बात करें, घर में कोई ऐसी व्यक्ति, ऐसी कोई वस्तु, कोई महंगा मोबाइल, किसी भी प्रकार का वाहन, किसी प्रकार की सुख सुविधा, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जो भी आपको आपके घर परिवार में सुख प्रदान कर सकता है वो आपके घर में आ रहा है। बृहस्पति की कृपा अगर आपके हृदय, पेट या छाती में रोग है तो उस रोग को दूर कर रही है। हार्ट पेशेंट्स के लिए जो है ये समय अच्छा रहेगा, बृहस्पति का गोचर बढ़िया रहेगा। गृहस्थ जीवन वालों के लिए तो विशेष लाभ, उन्नति यहाँ दिखाई दे रही है। गृहस्थ जीवन में बहुत खर्च, कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन आपको हो जाती है सिंह राशि वाले, क्योंकि उग्र स्वभाव भी आपका रहता है तो आपका जो दिमाग है वो दो जगह डाइवर्ट रहता है, आपके काम पर और आपके परिवार पर, तो यही आप चीजों को मैनेज कर पाने में कभी कभी जो है प्रॉब्लम आपको हो जाती है। परंतु अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति पहले से स्ट्रांग है तो ये आपके इन सभी मसलों को हल करने वाला है। देखिए मित्र है, चाहे बंधु वर्ग है, चाहे आपसी आपका कोई मिलने वाला है, इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। खेल की खेत बाग बगीचा जमीन जायदाद की बात करें तो जो लोग खेती या खेती से या फिर भूमि से संबंधित उपजाऊ कोई भी चीज बेचते हैं, चाहे सब्जी का व्यापार हो, चाहे भूमि से निकलने वाले किसी भी प्रकार का खनिज हो या भूमि उत्पादक किसी भी प्रकार का आप काम करते हो तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, फाइनेंस जिनका काम ब्याज का देना है, ब्याज का मुख्य काम करना है, उनके लिए को ग्रोथ दिखाई दे रही है, अटका हुआ रुका हुआ कोई कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। देखिए इसके बाद में बृहस्पति की दृष्टि जाती है षष्ठम भाव पर, तो सिंह राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आपका ये षष्ठम भाव। ऐसा मैं किस कारण से कह रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में जो रोग, शत्रु और बाधाएं ये जो आई है जिन्होंने आपके कार्यों को बीच में रोक दिया है, तो ये सभी चीजें बृहस्पति की कृपा दृष्टि से, ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से दूर हो रही है। और अगर अध्यात्म की बात आ गई है तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अध्यात्म के लिए सबसे बढ़िया आपके पंचमेश देव गुरु बृहस्पति महाराज, तो ये पंचम होने का मतलब है इष्ट कृपा। आप जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा विश्वास हो, आप उस इष्ट में आप अपनी श्रद्धा और विश्वास जानकर के उसकी आप पूजा कीजिए। मान लीजिए आप हनुमान जी में आपकी आराधना है तो हनुमान जी की आप आराधना कीजिए, अगर आपकी भगवान विष्णु में आराधना है, भगवान श्री रामचंद्र जी में आराधना तो उनकी आराधना कीजिए, माँ भगवती या भगवान शिव में आपकी आराधना है तो जिसको आप मन से मानते हो, कुंडली के अनुसार तो मैं आपको बता दूंगा कौन आपके इष्ट है, परंतु वास्तविकता में जिसको आपने हृदय से अब तक अपने हृदय में धारण किया है ना, उसकी आराधना करने की समय आपको आवश्यकता है, क्योंकि उसी की कृपा से आपके हर एक प्रकार के कार्य बनेंगे। और वहीं मैं आपको फिर इनवाइट भी करना चाहूंगा, श्री विद्या उपासना या श्री विद्या को कैसे करें, श्री विद्या साधना कैसे करें, तो श्री विद्या हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है श्री विद्या एस्ट्रो, सीधा सीधा श्री विद्या उपासना के माध्यम से आपको जोड़ना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन के विघ्नों को, अपने दुख दरिद्रताओं को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो तो श्री विद्या उपासना से उत्तम कोई भी साधना नहीं है, कोई भी आराधना नहीं है, कोई उपासना नहीं है।
यो श्री यंत्र जो है यंत्र राज कहे जाते हैं, और ऐसे में माँ श्री विद्या षोडशी ललितांबा त्रिपुर सुंदरी की आराधना ही सर्वोत्तम फल को प्रदान करने वाली है। ये बहुत ही ब्रीफ डिटेल है, इसके लिए आप हमारे से व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में बृहद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। देखिए वही बात करें, सष्टम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा तो हमारे उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपार सफलता, बड़ी सफलता, आप बस केवल और केवल कमी है तो आपकी मेहनत को करने में, आपको समय लगाने में, आपको चीजें इस समय बृहस्पति काफी क्लियर करवा देंगे। सष्टम भाव पर कई बार लास्ट अटेम्प्ट पर नंबर कम आने के कारण, तो कई बार सब कुछ अच्छा होने के बाद में भी जो है आपको नंबर, आपकी जॉब नहीं लग पा रही, तो ग्रह गोचर तो आपको देने के लिए बैठ चुका है, परंतु यही अब आपको बृहस्पति को समझना है, आपको आपकी पढ़ाई लिखाई बुद्धि और विवेक पर भी विश्वास रखना है। मैंने क्या बात कही, विश्वास में पहले कुछ कमी आई है, विश्वास अगर कमी करेंगे तो बृहस्पति भी कमजोर होगा, तो वही विश्वास को अंदर से बिल्कुल भी वीक मत होने दीजिए। आपने जो पढ़ा है, जो याद किया है, जो कर रहे हो, उस पर पूर्ण विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, अभी तो आप जॉब में हो, आप व्यवसाय में हो, आप अपने काम पर विश्वास रखो। ये विश्वास अगर डामाडोल हुआ ना, तो बृहस्पति भी आपको उतना फल अच्छा नहीं प्रदान कर पाएंगे, तो ये अच्छा रखना है। अगर कोई न्यायालय में आपका कोई पेंडिंग केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी आदि चल रहा है, उसमें आपके लाभ के जो है इस समय संभावनाएं बढ़ रही है, यानी आपके पक्ष में चीजें आ रही हैं। हाँ, कोई पहले कोई वाद विवाद मुकदमा लड़ाई झगड़ा ऐसा हो उसके कारण से आपके जो है चरित्र पर किसी प्रकार का दोष लगा, कलंक कहानी हुई, आपको बिना बात की चीजों में घसीटा गया, तो इन चीजों से बाहर निकालने हैं। कोई जननांग संबंधित रोग है, मूत्र संबंधित विकार है, तो गुप्त रोग है, वो ठीक हो सकता है। और लड़ाई झगड़ा फसाद, इन सभी चीजों में किसी भी प्रकार की, धन की का सम्मान की हानि हो, ये आपकी पूर्ति हो सकती है। बात करें विश्वासघात की, तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी आपसे ही प्रश्न करूंगा, आपके जीवन में कई लोग आए, उन्होंने दिखावा किया, जैसा थे वैसा थे नहीं नॉर्मली, और आपको दिखा करके आपके विश्वास का कहीं ना कहीं उन्होंने हनन किया, उसको चोट पहुंचाई। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ तो आप कमेंट करिएगा। बट बृहस्पति सष्टम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव ज्ञान और विवेक से अब वे मात खाने वाले, यानी कि विश्वास तो उन्होंने घात कर लिया आपका, परंतु चैन से नहीं बैठेंगे। बृहस्पति आपकी ग्रोथ जब उनकी होगी, जब आप ग्रोथ करोगे, तो वे लोग आपकी ग्रोथ को देख करके चिढ़ेंगे। हो सकता है वो आपके लिए किसी अभद्र वाणी का, अभद्र भाषा का प्रयोग भी करें, परंतु ये बात वास्तविक है कि इस समय उनके तो दिक्कत उनकी आनी आनी तय है। जिसने जैसा आपके साथ में गलत किया है, उसको वैसा फल मिलना निश्चित हो चुका है। बात करें बंधु वर्ग की, तो इसी पक्ष में बंधु वर्ग का विरोध भी आपके प्रति दिखा है। कहीं ना कहीं परिवार में किसी ना किसी विशेष व्यक्ति ने आपके किसी कार्य पर विरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया होगा। सबके लिए बात नहीं हो रही, परंतु जिन लोगों के लिए ऐसा हुआ है, वे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सिंह राशि का ये प्रभाव देखा गया है, तो वहीं ये विरोध भी शांत हो जाएगा और आपके कार्य में जो अड़चन इस विरोध के कारण आई, वो अड़चन दूर हो जाएगी। ऐसे योग बन रहे हैं। बाकी अगर नाभि, गुदा, कमर आदि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो वो ठीक होगी। लोन की समस्या, एक बहुत बड़ा कि मैं लोन लेकर के मकान बनाना चाहता हूं, मैं लोन लेकर के किसी कार्य को करना चाहता हूं, नए व्यवसाय की, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहता हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ले सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नए प्रयास, नई शुरुआत करनी ही पड़ती है, और आपकी प्रारंभिक शुरुआत इस समय बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो सभी सिंह राशि वालों, मैं आपको गुड लक कहना चाहता हूं, इस ग्रह गोचर के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, बहुत बढ़िया हो। बाकी हर एक ग्रह गोचर चेंज होगा, उसकी जानकारी आपको पहले से पहले इसी YouTube चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही अगर आप अपनी कुंडलिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधा WhatsApp से संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी बृहस्पति का गोचर अच्छा करना है तो मस्तक पर अष्टगंध का तिलक लगाएं, केले के वृक्ष की पूजा करें, एक घी का दीपक बृहस्पतिवार को केले की जड़ में जरूर जला दें। स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। ओम श्री।